हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेन प्लास्टिसिटी। और ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू अपडेट आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। ब्रेन प्लास्टिसिटी, ब्रेन प्लास्टिसिटी बेसिकली क्या है? ब्रेन प्लास्टिसिटी द एबिलिटी ऑफ आवर ब्रेन टू रिकॉइल इटसेल्फ बाय मेकिंग न्यू न्यूरॉन्स एंड ऑर्गेनाइज देम, दैट इज कॉल्ड ब्रेन प्लास्टिसिटी। जी हाँ, हमारे ब्रेन की ऐसी पावर या उसकी ऐसी काबिलियत, उसकी ऐसी एबिलिटी कि वो खुद को रिकॉइल कर सकता है, मतलब खुद को, खुद के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। वो बहुत डिफरेंट न्यूरॉन्स, टिश्यूज़ को बना सकता है और उन टिश्यूज़ या न्यूरॉन्स को ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो इस डेफिनेशन को हम आज एक नए सिरे से जानने की कोशिश करते हैं। तो ब्रेन में, ब्रेन प्लास्टिसिटी में बेसिकली तीन चीज़ें जो है इन्वॉल्व हैं, द लाइफ एक्सपीरियंस, रीऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूरोजेनेसिस। सबसे पहले हमारे पास है लाइफ एक्सपीरियंस। बहुत सारी स्टडीज़ ने इस चीज़ पे फोकस किया कि हमारा जो ब्रेन है वो लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से किस तरह से चेंज होता है। इन स्टडीज़ ने ये चीज़ शो की कि हमारा जो ब्रेन है, हम जितने भी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक्सपीरियंस हमारे ब्रेन्स के फीचर्स को चेंज करती है। और ब्रेन के उन फीचर की चेंज होने की वजह से हमारे ब्रेन का जो है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। उसके बाद है दूसरा, रीऑर्गेनाइजेशन। अब रीऑर्गेनाइजेशन किस तरह से कि बहुत सारे ऐसी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती, मतलब जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है या वो हमारे माइंड में स्टोर नहीं हो रही होती, तो उस टाइम क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन्स जो हैं डेड हो चुके होते हैं, मतलब उनके जो सिनेप्टिक कनेक्शंस हैं वो जो है लूज़ हो चुके होते हैं, ख़त्म हो चुके होते हैं। तो ब्रेन की एक एबिलिटी ये भी है कि वो दूसरे न्यूरॉन्स, मतलब जो पहले से मौजूद न्यूरॉन्स है उनके साथ मज़ीद सिनेप्टिक कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर देता है, और उन्हीं सिनेप्टिक कनेक्शन बनाने की वजह से वो खुद को रीऑर्गेनाइज कर रहा है, मतलब खुद को दोबारा तरतीब दे रहा है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड है, न्यूरोजेनेसिस या मेकिंग न्यू न्यूरॉन्स। तो आपने बाज़ औक़ात बहुत दफ़ा देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बंदे जिनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या कोई न्यूरल या टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो उन टिश्यूज़ को दोबारा बनाता है, उन डैमेज्ड हुए पोर्शंस को दोबारा जो है बनाता है। तो इसी प्रोसेस को न्यूरोजेनेसिस कहते हैं, यानी द ब्रेन्स एबिलिटी टू मेक न्यू न्यूरॉन्स, दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोजेनेसिस। तो ब्रेन प्लास्टिसिटी इन्हीं तीन चीज़ों पे जो है इफ़ेक्ट या बेस कर रही है, मींस लाइफ एक्सपीरियंस, रीऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूरोजेनेसिस। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।